हेलो कविता जी, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो इंदु जी, हेलो संयुक्ता जी, नमस्ते, थैंक यू सो मच। हेलो स्वर्णा जी, थैंक यू इंदु जी फॉर शेयरिंग। आप सभी को राधे राधे जी, और आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं एक टीचर का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो हम सभी एक दूसरे को सिखाते हैं, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। तो सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी एक साथ खूब आगे बढ़े और स्काई इज योर लिमिट। हेलो कृष्णा जी, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 सभी लोग शेयर करते जाइए जल्दी जल्दी से। और हम एक नई आर्ट फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जेंटेंगल आर्ट। हेलो वैशाली जी, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो शिखा जी, हैप्पी टीचर्स डे। कविता जी, आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत सारा। इतने सारे मुझे मैसेजेस आए, इतना सारा प्यार आप सब लोगों का। मैं अभी तक रिप्लाई भी नहीं कर पाई, बिकॉज सुबह थोड़ा सा मतलब हेक्टिक रहता है। इस सेशन के बाद मैं सबको रिप्लाई करूंगी। इतना सारा प्यार दिया आप लोगों ने, शायद इसके तो मैं काबिल भी नहीं हूं, पर दिल से थैंक यू सो मच। हेलो राधिका जी, हैप्पी टीचर्स डे। हेलो साई कुमार जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मैम, थैंक्स अ लॉट। चलिए जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट कर सके। स्केच मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया था, आप सबने देखा, आई होप सबने बना भी लिया होगा, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हेलो वंदना मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। आप सभी को आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। हमने सिर्फ चरण बनाए हैं अपने गुरु के, अब आप इसमें हैंड भी ऐड कर सकते हो आप करना चाहो तो, बट मैंने सिर्फ चरण बनाए हैं। हैंड से फ्लावर डालते हुए वाला पोज अगर आप करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। हेलो ज्योति जी, श्योर राधिका जी, श्योर श्योर, आई रियली वॉन्ट टू सी योर क्रिएशन। चलिए अब हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं आगे की। थैंक यू वंदना मैम फॉर शेयरिंग। हेलो कंचन जी, हेलो सोनिया जी, हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। प्लीज शेयर द वीडियो, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, सो दैट हम जल्दी जल्दी अपना काम स्टार्ट कर सके, सबको पता चल जाए दैट वी आर लाइव। गुड आफ्टरनून जया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब सबसे पहले हम अपने पेज का हाफ पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। एक मार्क यहाँ पे, एक मार्क यहाँ पे, ये सब पेंसिल के मार्क हैं, बाद में आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटर पार्टीशन हो गया। अब दूसरा, सेंटर कैसे निकालते हैं, अपने पेज को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। जिस पॉइंट से हमने कंपास से सर्कल बनाना स्टार्ट किया था, वो हमारा मेन पॉइंट है, उस पॉइंट से हम सारे पार्ट डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्लियर। थैंक यू संयुक्ता जी, हेलो सदमा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डियर। हैप्पी टीचर्स डे टू यू, यू आर सच अ ब्यूटिफुल आर्टिस्ट, बहुत ही प्यारा काम है आपका, ठीक है। ये वाला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज मेन पॉइंट, इसी से ही हम अपने सारे डिवाइडेशन करेंगे। तो इस पॉइंट से, जहां से हमने कंपास से सर्कल बनाना स्टार्ट किया था, उस पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट, देखिए फर्स्ट पार्टीशन यहां था, सेकंड पार्टीशन हमारा ये हुआ, थर्ड पार्टीशन इसी से ही आप मूव करेंगे और बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। अब सपोज मैंने तो इस तरह से सेंटर निकाल लिया बिकॉज आई एम डूइंग, पर आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे, दैट इज 14। तो यहां 7 पे आपका एक मार्क आ जाएगा, ऐसे ही यहां से यहां का देखिए 14, तो 7 पे एक मार्क आ गया, ओके। हैप्पी टीचर्स डे डियर संतोष जी,
हेलो दीपाली जी, अब इस मार्क से आप इसे इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा आपका, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सिंपल टेक्निक है। अब ऐसे ही यहां पर हमें मार्क लेना है, 14 ही होगा ऑब्वियसली, तो यहां पर हम 7 लेंगे। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे जानवी जी। ऐसे ही हमने यहां से यहां तक का लिया, देखिए बिल्कुल इक्वल है सभी तरफ, कोई जरा सा भी अनइक्वल नहीं है। तो हमें कितने पॉइंट मिल गए हमारे सर्कल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट मिल गए। अब इनके सेंटर में एक एक पॉइंट आएगा, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ये 7.5 है तो 3.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम एक पॉइंट पे निशान लगाएंगे और फिर इसके बीच में हम एक एक पॉइंट और बनाते जाएंगे, फिर हमारी डिजाइनिंग स्टार्ट होगी। आप इसके लिए उसका डी का यूज भी कर सकते हो, मेरे पास डी है नहीं, दैट्स वाई मैं स्केलिंग का यूज कर रही हूं। अगर आपके पास डी है तो आप डी का यूज कीजिए, डी से आपका काम और अच्छा और आसानी से हो जाएगा और फटाफट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर यू इफ यू हैव अ डी तो आप उसको यूज करिए, उससे आपका काम और जल्दी हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ये सारे काम नहीं करती, इसलिए थोड़े से मेरे पास इसके अटैचमेंट कम है, पर कोई बात नहीं, मैं आज मार्केट जाके और ले आऊंगी। इवन मेरे पास तो कंपास भी नहीं था, वो भी मैंने बच्चों से लिया। प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। मंजू जी, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू सो मच। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी विशेस, बहुत सारी शुभकामनाएं। हेलो पारुल जी, चलिए अब हमारे पास ये बिल्कुल इक्वल जितना भी है हमारा सर्कल, उसमें एकदम क्लॉकवाइज सारा पार्टीशन हो गया। अभी हम इसमें आगे का काम करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा डॉट्स हमने लगाए थे वो आप सब इरेज कर दीजिए। जहां पर भी आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिख रहा है, इरेज इट नाइसली। अब हम इसमें एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। देखिए ये इतना मैंने हाफ यहां से लिया और हाफ ही मैंने यहां से लिया, ओके। इस पॉइंट के इधर भी हाफ और बिल्कुल इस पॉइंट के सेंटर तक हमें अपना वी लेके आना है। ठीक है, अगेन एक और, अगर आप पूरा मेजरमेंट से चलते हैं तो आपको बिल्कुल इक्वल मिलेगा, आपको कहीं पर भी
किसी भी तरह की स्टेंसिल या किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री हैंड बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। बहुत डार्क पेंसिल नहीं चलानी है, आराम से काम करना है, तभी इसको हम मेडिटेशन आर्ट कहते हैं ना। अभी इसमें जब हम डिटेलिंग करेंगे तब मजा आएगा। आई नो आप सबने ये कर रखा होगा काफी बार, बिकॉज इट्स अ वंडरफुल टाइम पास। ओके, लाइक दिस, ये आपको पूरे सर्कल पे क्रिएट करना है। सबसे पहले आप पेंसिल से कर लोगे तो बहुत अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका काम भी खराब नहीं होगा। चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करेंगे। आई हैव अ स्टेडलर्स, तो हम थोड़ा सा स्टेडलर्स का यूज करते हैं। आई नीड दिस ऑरेंज एंड अ बिट ऑफ रेड एंड अ बिट ऑफ येलो। आपके पास जो भी पेंसिल कलर्स हैं आप उन पेंसिल कलर को ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको स्टेडलर्स चाहिए या प्रिज्म चाहिए। आपके पास जो भी ब्रांड के पेंसिल कलर्स हैं आप उन्हें यूज कीजिए, नो नीड टू परचेज। ओके, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है पारुल जी, आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल फ्री हैंड बनाइए, बिल्कुल, मैं तो उनके लिए बता रही हूँ जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। आप बिल्कुल डायरेक्ट इसे पेन से बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मीना जी फॉर शेयरिंग, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे लक्ष्मी जी, सस्मिता जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हेलो मानसी जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अलॉट। प्लीज सभी लोग शेयर भी करते जाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नो नीड टू परचेज एनी एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल। आपके पास जो पेंसिल कलर्स हो आप उसको यूज कर लीजिएगा, हमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, बस मेरे को तो हल्का सा इसमें ट्विस्ट देना था। बस पॉइंट लेके पेंसिल का अच्छा ये नहीं किया, ठीक है तो फिर तो चलिए अच्छी बात है। हल्का हल्का इसको रब करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट रबिंग करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइट सॉफ्ट सॉफ्ट रबिंग होगी, बिल्कुल साथ साथ में। ओके, फिर जहां आपने फोल्ड क्रिएट किया वहां पर हल्की सी रबिंग, डॉम्स का, कैमल का, जो भी पेंसिल कलर आपके पास है, फेबर कैस्टल का, जो भी है उसे ही यूज कर लीजिएगा, नो नीड टू परचेज एनी एक्सपेंसिव। गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे प्रिया जी, मनु प्रिया जी, हेलो सुनीता जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल सॉफ्ट ड्रैगिंग है ये और कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल साथ साथ में जो रबिंग हम करते हैं दैट कॉल्ड ड्रैगिंग।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अभी देखिए ये मेरे पास दो शेड हैं, ये डार्क है ये लाइट है, ये थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो है और ये फिर गोल्डन येलो है। तो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंजिश येलो लिया, आपके पास जो होगा आप वो लीजिएगा। अब देखिए जो मैंने रेड किया था ना उसी के ऊपर मैं ये ऑरेंजिश येलो कर रही हूं मैम। वैसे तो देखिए ये सारी चीजें मैंने बहुत बार डिटेल में बताई हैं, मे बी आपने वो सेशंस ज्वाइन ना किए हों, बट आई एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स लॉट्स ऑफ टाइम इन डिटेल। पर अभी फिर जब भी हम म्यूरल करेंगे तो मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगी, जब भी हम फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमने रेड कलर किया था उसी के ऊपर मैं ये ऑरेंजिश येलो कर रही हूं, सो दैट जो मेरा रेड है वो थोड़ा सा ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाए। जीएसएम पेपर आप 300 जीएसएम पेपर लीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली गुड। 200 या 180 या 260 जो आता है वो भी ठीक होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बट समटाइम पानी को वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, तो 300 जीएसएम इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, आप वो लीजिए, ठीक है। हेलो रागिनी जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजना जी, हाँ पारुल जी आप इन्हें पेस्टल कलर से कर सकते हो, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। प्लीज सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, हम थोड़ा सा बस इसमें ट्विस्ट दे रहे हैं पेंसिल कलर्स का, बाकी आप किसी भी कलर से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी देखो, GSM पेपर दैट इज 300 GSM पेपर, मैंने इसकी पिक भी शेयर की है काफी बार। नाउ आई एम यूजिंग लेमन येलो, गोल्डन येलो, सॉरी गोल्डन येलो है ये। अब इसके जस्ट बाद हम लेमन येलो यूज करेंगे। परी बेटा पानी पूछ लेना और आप कुछ नहीं, तो पापा ने आपको बता दिया। अभी हम लेमन येलो लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम लेमन येलो भी यूज करेंगे। ये देखिए मैंने लेमन येलो ले लिया, आप ये सारा काम सॉफ्ट पेस्टल से कर सकते हैं। देखिए फोल्ड जनरेट करेंगे यहाँ पे, हटा दो, हटा दो ना मिट की जाते, अब दूसरी बिछा दो। अब इस पे मैं आपको हैचिंग करनी भी बताऊंगी, ठीक है, तो हमारा ये एकदम डिफरेंट हो जाएगा। वी आर डूइंग हैचिंग अलॉट, आप लोगों ने कभी की होगी हैचिंग पेन से या फिर ब्रश से, मतलब कभी किया है हैचिंग का काम, स्प्लिटिंग हैचिंग, ये सब टेक्निक्स बहुत ही अच्छी होती है, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड फॉर कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ही अच्छा रहता है कॉन्सेंट्रेशन लेवल के लिए हैचिंग, स्प्लिटिंग, ये मंडला, ऑल आर परफेक्टली परफेक्ट। अरे पूछ लो क्या चाहिए, वो ऊपर है लानी पड़ेगी। हैचिंग कोई बात नहीं, अभी मैं आपको हैचिंग भी बताऊंगी, थोड़ा सा हम ये बेस क्रिएट कर ले उसके बाद। जब भी आप पेंसिल शेडिंग यूज करते हैं तो आपका जो कलर है वो बस बिल्कुल साथ साथ में चलना चाहिए, एकदम ओवरलैप करते हुए, उसमें लाइनिंग्स या गैप नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज फिर उसका इफेक्ट उतना इम्प्रेसिव नहीं आता जितना आना चाहिए।
हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं रीना जी। मैंने गणेशा में आपको हैचिंग करवाया था, गणेशा जब हमने पेंटिंग करी थी, आज मैं आपको पेन से करवाऊंगी। मैं सोच रही थी कि मैंने किस पेंटिंग में बताया तो है, बट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। वेरी गुड। हेलो अनीता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हेलो हेमलता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी टीचर्स डे। हेलो विद्या जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। हैप्पी टीचर्स डे। हाँ रीना जी, ये वाटर कलर पेंसिल्स भी होती हैं और इनसे आप सिर्फ पेंसिल शेडिंग का काम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने ये इतना बेस बनाया, अब अगर हमें इसको स्मूथ करना है और ज्यादा, तो हम वाटर कलर का एक कोट कर देंगे तो ये शेडिंग ऐसी ही रहेगी, बट ये और ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। मे बी पारुल जी, आपने शायद तब तक मुझे ज्वाइन ना किया हो, क्योंकि वो काफी पहले का है, तो शायद इसलिए आपने स्किप किया होगा। थैंक यू विद्या जी। देखिए, अब मैंने ये ऑरेंज कलर का पेन लिया है, तो जो मेरे फोल्ड्स थे मैंने उसको थोड़ा सा और क्लियर किया। हेलो बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हेलो स्वाति जी, हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। इट्स ऑरेंज, और इन पेन का ना बहुत अच्छा पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि दीज आर नॉट एक्सपेंसिव, तो इनका पॉइंट अच्छा नहीं है। अभी आप इनका काम देखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनका। चलिए अब हम करते हैं इसमें हैचिंग। ध्यान से देखिए आप लोग, इस तरह से बिल्कुल फाइन फाइन लाइंस डालते जाएंगे और फिर इनको क्रॉस करते जाएंगे। इट्स कॉल्ड हैचिंग। जहां आपने फोल्ड का शेड बनाया था वहीं पे ही देखिए, मैंने क्रॉस में लाइनिंग्स बना दी। पूरी की पूरी पेंटिंग बनती है हैचिंग टेक्निक से, तो ये तो हम सिर्फ फोल्ड कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप पारुल जी, मुझे समझ नहीं आया। लाइंस डालनी है, शेडिंग नहीं करनी, और उन लाइंस को फिर बाद में क्रॉस करना है। मैं अभी आपको एक अलग जगह पे करके बताती हूँ। हेलो श्वेता जी, हैप्पी टीचर्स डे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। जूम नहीं कर पा रही हूं मैं, बिकॉज जो हम फ्रंट कैमरे से लाइव करते हैं ना, तो फ्रंट कैमरे के लाइव से ना जूम नहीं होता। ठीक है, शेडिंग नहीं है, इट्स क्रॉस। मैं आपको एक जगह करके बताती हूँ, रुकिए। देखिए क्या होता है हैचिंग टेक्निक में, हमने बेस बना लिया, उसके बाद आप किसी भी कलर के पेन से, ये ब्रश से भी आराम से होता है, पेन से भी हो जाता है, पेंसिल से भी हो जाता है। ठीक है, ये स्केच पेन नहीं है, ये है आर्ट लाइन। इसका एडवांटेज क्या है, मतलब
दिस इज अ आर्ट टेक्निक और इसका एडवांटेज क्या होगा बताइए. ओके लाइक दिस. हैप्पी टीचर्स डे पापिया जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. थैंक यू. दिस काइंड ऑफ. ठीक है तो चलिए हम धोती को कंप्लीट करेंगे. इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट टेक्निक. बहुत बहुत ही सुंदर आर्ट टेक्निक है ये. सो टुडे इज अ टीचर्स डे और आज सभी क्लासेस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है. अगर कोई भी कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है. देखिए अभी मैं आपको ये फ्रंट से दिखाऊंगी. लिंक तो नहीं है मेरे पास संयुक्ता जी. इसको पेंटिंग में करके हम एक 3D फैक्टर अलग तरीके से दिखा सकते हैं. हेलो प्रिया जी. हेलो नीतू जी. थैंक यू सो मच डियर. थैंक्स अ लॉट. ये देखिए कितना खूबसूरत इफेक्ट आया. नहीं इट्स नॉट अ शेडिंग टेक्निक. इट्स नॉट अ शेडिंग टेक्निक एब्सोल्युटली. हेलो प्रभा जी. इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल. अच्छा प्रिया जी. इट्स ओके नो प्रॉब्लम एट ऑल. थैंक यू प्रभा जी. थैंक यू सो मच. इट्स नॉट अ शेडिंग टेक्निक. ये देखिए हैप्पी टीचर्स डे मानसी जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. प्लीज सभी लोग जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिएगा. ठीक है शेयरिंग बहुत जरूरी है. प्लीज सभी लोग शेयर कर दीजिएगा. चलिए अभी हम स्किन कलर का यूज करेंगे. दिस इज माई स्किन कलर. आप इसको सॉफ्ट पेस्टल से कर लीजिएगा अगर आप करना चाहें तो. यू कैन डू विथ सॉफ्ट पेस्टल ऑल्सो. थोड़ा जल्दी भी हो जाता है सॉफ्ट पेस्टल से. बहुत फास्ट काम हो जाता है. ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी और सॉफ्ट आती है. तो यू कैन डू विथ सॉफ्ट पेस्टल एज वेल. हेलो रितु जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. मैं जस्ट अभी सोच ही रही थी कि आज हमें रितु जी ने ज्वाइन नहीं किया. व्हाट हैपेंड. बिल्कुल साथ साथ में आपको इसमें वर्क करना होता है. आई नो आप लोगों को आता होगा पेंसिल शेडिंग वर्क. बट मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूं तो सोचा कि थोड़ा अच्छे से आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाए. जितना पास पास में और लाइट हैंड के साथ आप काम करोगे ना आपका काम उतना ही खूबसूरत आएगा. नोटिफिकेशन नहीं आया. आप ये पेंटिंग सिखा दो. मतलब कारू जी सिखा रही हूं. हैप्पी टीचर्स डे रेखा जी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. हल्का हमें यहाँ पे शेडिंग देना है तो मैंने ऑरेंजिश जो मेरे पास येलो था उसको यूज किया है. फिंगर्स के अराउंड भी हमने वही यूज किया बिकॉज वी हैव टू मेक लिटिल बिट ऑफ डेप्थ.
देखिए, अगर आप कलर पेंसिल्स का यूज करते हैं तो आपको स्किन टोन मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम ब्राउन कलर ले रहे हैं। यू कैन सी द पिगमेंट, इट्स सो फाइन, सो ब्यूटिफुल। हैप्पी टीचर्स डे नीता जी। आप इसका पिगमेंट देखिए, इट्स सो फाइन। परी पापा से बात करा देते। हैप्पी टीचर्स डे चंद्रिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। मैंने आपको इसका पिक तो शेयर किया ही है। चलिए फटाफट से हम दूसरे पैर की शेडिंग करते हैं। पैरों का जो नीचे का पार्ट है वहां पे मैं हल्का सा ऑरेंजिश येलो यूज कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि नीचे का पैर थोड़ा सा हमारा रेडिश टोन में आता है ना। आप चाहें तो आप यहाँ पे हल्का सा पिंक भी यूज कर सकते हैं। आई हैव अ पिंक, देखिए ऑरेंज के ऊपर ही आप हल्का सा ब्लेंड कर दीजिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज कलर्स, ये इतने अच्छे से ब्लेंड होते हैं एंड इतने सॉफ्ट पिगमेंटेड होते हैं। हमें ज्यादा कुछ भी करना नहीं पड़ता इनके साथ, दे आर सो सॉफ्ट, सो स्मूथ। बट अगर आप काम करते हो तभी परचेज करो, अगर आप नहीं करते तो फिर अननेसेसरी एक आध प्रोजेक्ट के लिए परचेजिंग करना इज वेस्ट ऑफ मनी, क्योंकि ऑलरेडी दीज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो कभी भी एक आध प्रोजेक्ट के लिए मत परचेज कीजिए। हाँ आप ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल तो आप कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सुनीता जी, हैप्पी टीचर्स डे।
थैंक यू सो मच। अभी नीचे हम थोड़ा सा ग्रीन डाल देते हैं पैरों के नीचे। देखिए आपकी ये भी ना एक प्रॉपर पेंटिंग की तरह ही दिखेगी। प्रॉपर पारुल जी देखिए मेरे पास तो ये स्टेडलर्स हैं। आप कोई सा भी ले लीजिए, इवन डॉम्स भी अच्छा है, डॉम्स का भी अच्छा है, फेबर कैस्टल भी अच्छा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी एक्सपेंसिव वन की तरफ ही जाना है। थैंक यू सो मच दिवांशी जी, राधे राधे जी। हेलो शीतल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जहां आपको बिल्कुल सॉफ्ट काम करना है वहां आप बहुत लाइट चलाइए, जहां आपको डार्क इफेक्ट देना है वहां आप थोड़ा डार्क चलाइए। अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ, इट लुकिंग सो ब्यूटिफुल। ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट आ रहा है, बहुत ही प्यारा। सी प्यारे लग रहे हैं ना। थैंक यू सो मच। है ना हमारे गुरु के चरण कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। प्लीज सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा, प्लीज 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 सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू रितु जी। हेलो प्रिया जी, हैप्पी टीचर्स डे। लाइक दिस आप कुछ फ्लावर्स बना लीजिए और उसमें भी आप थोड़ी शेडिंग कर दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पिंक कलर का किया है शेड। ओके चलिए अब हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं। हमारे
एक सर्कल ये है, एक ये है और एक ये है. लाइक सबसे पहले हम ये इनर वाले सर्कल पे काम करेंगे. अगर तो आई ट्राई टू मेक दीज बॉल्स और जो साइड्स है इनकी वो आप फिल करते जाइए. दोनों साइड से यू नीड टू फिल ऑल द साइड्स. ओके क्लियर. अब जो बीच का गैप है उसको आप फिल कर देंगे. ओके चलिए बाहर वाला जो हमारा बॉर्डर आएगा उसमें उसमें भी हम ऐसा ही डिजाइन बनाएंगे. देखिए आपको एक एक लाइन डालने के लिए ना फुल कंसंट्रेशन चाहिए. दैट्स व्हाई इट कॉल्ड मेडिटेशन आर्ट. आप इतने ध्यान से काम करते हैं कि आपका किसी और चीज पे माइंड जाता ही नहीं. ये पेंसिल नहीं है मैम, ये पेन है. पेन का मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, इट्स आर्ट लाइन. मैं आज फिर से आप लोगों के साथ इसके पिक शेयर कर दूंगी. इसके सेंटर में आप इस तरह से एक एक पैटर्न बनाएंगे. बहुत ही सुंदर और इंट्रिकेट काम होगा अगर आप बिल्कुल ध्यान से और आराम से करेंगे. क्लियर है. चरण में मैंने यूज की है स्टेडलर्स. आप अपनी चॉइस का कुछ भी ले लीजिएगा, डॉम्स का या कैसा भी. देखिए मेरे पास ये स्टेडलर्स थे तो मैंने ये यूज किए हैं. यू कैन यूज चरण, यू कैन यूज डॉम्स और यू कैन यूज फेबर कैस्टल, यू कैन यूज कैमल, एनी वन पेंसिल यू कैन यूज. थैंक यू रीना जी. थर्ड ग्रुप में नहीं शेयर किया, कोई बात नहीं दीपाली जी, मैं आज दोबारा से सभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी. प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा. ठीक है, मैं थोड़ा सा और बताऊंगी और उसके बाद हम सेशन वाइंड अप करेंगे. कल हम इसे कंप्लीट करेंगे क्योंकि अभी इसमें बहुत काम है. तो मैं भी ये वाला पूरा वर्क करके रखूंगी और उसके बाद ये बीच का डिजाइन वो हम कल बनाएंगे. ये हमारा आज का टीचर्स डे का होमवर्क है जो हम सबको करके रखना है.
आप सभी लोग मुझे ग्रुप में अपडेट भी करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। इट्स नॉट अ टफ, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेंसिल कलर पेपर हम सबके पास ही होता है घर पे, तो सभी आराम से बना सकते हैं। सभी आराम से बना सकते हैं ना। देखिए ये मेरी ऑनलाइन क्लास का वर्क है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ऑफर फी इज वेरी 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 मिनिमम, टीचर्स डे का डिस्काउंट भी है, तो आप लोग आराम से सीख सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, कभी भी कैसे भी आप काम कर सकते हैं। लाइव सेशंस हैं और आफ्टर लाइव रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहते हैं हमेशा। हैप्पी टीचर्स डे श्रवंती जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आप सबने शेयर जरूर किया होगा। दिस इज माई अपकमिंग क्लास जो हमारी कल से स्टार्ट हो रही है। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड टू ज्वाइन तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये कम्प्लीटली 3D म्यूरल रहेगा, इसके साथ मैं 4 to 5 टाइप ऑफ क्ले आप लोगों को सिखाऊंगी। वाटरप्रूफ क्ले भी रहेगा और इट्स वेरी ब्यूटीफुल म्यूरल। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। जन्माष्टमी स्पेशल क्लास है ये, बहुत ही प्यारा म्यूरल बनेगा। कलर्स वगैरह सब कुछ इतने ही सूदिंग, इतने ही अट्रैक्टिव रहेंगे। तो कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है, मैंने नंबर यहाँ पे पिन कर दिया है। थैंक यू मानसी जी फॉर शेयरिंग, थैंक्स अ लॉट। इतना काम आप लोग करके रखिएगा। हेलो रेनू जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैप्पी टीचर्स डे टू यू, आप सभी को वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी लोगों ने आई थिंक शेयर किया ही होगा एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर लव। बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस आए मेरे पास एंड आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू पारुल जी। क्लियर वार्निश के ब्रश को क्लीन, अगर आपकी वार्निश वाटर बेस्ड है तो पानी से क्लीन होगा, अगर आपकी वार्निश ऑयल बेस्ड है तो फिर वो टर्पेंटाइन ऑयल से क्लीन होगा। ठीक है मैम, वाटर बेस्ड वार्निश है तो ब्रश वाटर से क्लीन हो जाता है, अगर वार्निश ऑयल बेस्ड है तो फिर वो ऑयल से क्लीन होगा। ओके तो अगर कोई भी रिलीफ की या फिर रोज की मकाओ कोई भी क्लास कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। फी इज वेरी मिनिमम और एक क्यूट से कृष्णा, कल जन्माष्टमी है तो बहुत ही प्यारी क्लास है, बहुत ही मिनिमम फी में है। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं सेम टाइम, तब तक के लिए राधे राधे जी, बाय बाय।